तो हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो इसमें LHS लेते पहले, LHS इज इक्वल टू कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60 और कॉस 80। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो हम लोग पहले कॉस 60 की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या, तो 1/2 इंटू कॉस 20, कॉस 40 और कॉस 80। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं ना यहाँ पर, तो हम लोग ये कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक फार्मूला इसमें लग जाएगा, 2cos A इंटू कॉस बी का। तो क्या होता है फार्मूला, 2cos A इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है cos A + B प्लस cos A - B। ठीक है, ये होता है फार्मूला 2cos A इंटू कॉस बी का। इस फार्मूला पे रखेंगे तो देखिए, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2cos 20 प्लस 40 और प्लस cos A - B, यानी कि 20 - 40। ठीक है, और ब्रैकेट 1 और cos 80, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और यहाँ 2cos 60, और यहाँ पर देखिए cos - 20 आएगा, तो cos - θ इज इक्वल टू θ होता है, यानी कि प्लस में हो जाएगा, तो प्लस cos 20, ये हो गया ब्रैकेट बंद, और cos 80। अब यहाँ पर हम लोगों को cos 60 वैल्यू पता है कितनी होती है, तो उसको लिख लेंगे। यहाँ पर ये 2 नहीं रहेगा, सॉरी। ठीक है, और cos 60 वैल्यू लिख लेंगे, तो क्या हो गया 1/4 ब्रैकेट इसके अंदर 1/2 प्लस cos 20, ये हो गया, और cos 80। हम लोग क्या करते हैं, cos 80 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर 1/4 और 1/2 इंटू cos 80 प्लस cos 20 cos 80। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला रखेंगे। देखिए, हम लोग ने जैसे ऊपर किया था 2 × 2 2/2 को इंटू में करके, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा 2cos A इंटू कॉस बी का, जैसे ऊपर लगाए थे इस फॉर्मूले पे लगाएंगे। तो देखिए, ये 2 हम लोग देखिए 1/4 और यहाँ पर cos 80 और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्लस, और 2cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A + B cos A - B, तो उसे रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 100, यानी 2A + B, यानी कि 20 + 80 इसको 100 आ जाएगा, और प्लस cos A - B, तो क्या हो जाएगा 20 - 80, तो क्या आएगा -60। तो यहाँ cos - θ इज इक्वल टू θ होता है। ठीक है, और जो ये माइनस और ये जो 2 है नीचे अंडर, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पहले एनसिन ले लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, और हम लोग यहाँ पर 1/4 को ऐसे कैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, cos 80 प्लस cos 100, यहाँ ये 2 है, हम लोग इससे बाहर निकाल लेते हैं 2। ठीक है, और यहाँ cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा 1/8, और यहाँ पर cos A प्लस cos B का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर छोटा सा, cos A प्लस cos B का फॉर्मूला होता है 2cos A + B/2 और इंटू cos A - B/2, ये होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे cos A और cos B को, cos A + cos B को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2cos A, यहाँ 80 प्लस 100, 180/2, यानी 90, ये हो गया। और cos इंटू में है, और cos A - B, यानी कि 80 - 100 20/2, यानी कि 10, ये हो गया, और प्लस 1/2 ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये पूरा जो टर्म हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बचेगा, देखिए
यानी कि 1/8, और यहाँ पर प्लस 1/2, या 0 था प्लस 1/2, ये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/16, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है।